गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके साथ पावर पॉइंट में व्यू मेन्यू के विंडो कमांड ग्रुप की कमांड्स के बारे में बातचीत करूंगी। बच्चों, इस ग्रुप के अंदर जो पहली आपकी कमांड है वो है न्यू विंडो। इस कमांड के द्वारा एक नई विंडो खुलती है जिस पर करंट प्रेजेंटेशन का ही व्यू होता है। करंट प्रेजेंटेशन की कॉपी बनती है, यानी कि बनी हुई प्रेजेंटेशन की ही नई विंडो इस कमांड के द्वारा खुलती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये एक स्लाइड बनाई हुई है, ये हमारी एक फाइल है। अब हम इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो हम न्यू विंडो कमांड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया। अब आप नीचे देखिए स्टेटस बार में, जहाँ आपको आपकी पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है, पावर पॉइंट का आइकन छोटा सा, उसके साथ ही एक और विंडो का भी उसके नीचे ही आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर लाएंगे तो आपको देखिए इसमें जो दो फाइल दिखाई देंगी, पहले वाली हमारी मेन फाइल थी जिसकी हमने कॉपी की, और दूसरी जो हमने अभी कॉपी करके बनाई है। तो इनमें से आप जिस भी फाइल को, दूसरी फाइल को अगर खोलना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसी फाइल की दो कॉपी हो चुकी हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है अरेंज ऑल। इस कमांड के द्वारा सभी खुली हुई फाइल्स को स्क्रीन पर साइड बाय साइड अरेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि अभी हमारी इसी फाइल की दो कॉपी हैं, इनको हमें स्क्रीन पर अरेंज करना है। तो देखिए हम इस पर अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अपने आप इस कमांड के द्वारा विंडो पर दोनों फाइल्स अरेंज हो चुकी हैं। ये अपने आप अपनी सेटिंग कर लेगा कि किस तरीके से उन्हें अरेंज करना है। तो अरेंज ऑल कमांड का ये काम है। जो इसके बाद आपकी जो थर्ड कमांड है वो है कैस्केड, पर उससे पहले हम इन्हें अपने नॉर्मल व्यू में ले आते हैं। ये देखिए हमने नॉर्मल व्यू में ले आए। अब इसके बाद आप देखिए जो हमारी थर्ड कमांड है वो है कैस्केड। इस कमांड के द्वारा खुले हुए डॉक्यूमेंट्स को कैस्केड के रूप में सेट किया जा सकता है, जिससे कि वे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं। अभी हमारे पास दो कॉपी हैं तो हम अब इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करी हुई दोनों कॉपीज हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक फाइल ये है, एक इसके पीछे है। अभी जो ऊपर फाइल है ये ओपन है। हम चाहते हैं कि पीछे वाली जो फाइल है वो ओपन हो, तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अब पहले वाली फाइल स्क्रीन पीछे जा चुकी है। इस तरीके से ये कैस्केड कमांड के द्वारा एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई हमें दिखाई देती है और इस तरीके से अरेंज हो जाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है मूव स्प्लिट, पर इससे पहले हम इसे नॉर्मल व्यू में ले आते हैं। ये हम नॉर्मल व्यू पे आ गए। अब इसके बाद हम मूव स्प्लिट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। इस कमांड के द्वारा स्प्लिटर्स आते हैं जो कि विंडो के किसी भी भाग को मूव कर सकते हैं, और एंटर दबाने से मूव स्प्लिटर हट जाता है। इस कमांड के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो चारों एरो कीज से विंडो के अलग अलग भाग को सेपरेट कर सकते हैं या सेपरेट किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ हमने मूव स्प्लिट कमांड पर क्लिक किया। अब आप देखिए हमारी जो एरो कीज हैं कीबोर्ड के अंदर, चार एरो की होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो देखिए अभी हम लेफ्ट की को करते हैं, ये देखिए इस तरीके से लेफ्ट एरो की से ये पार्ट मूव हुआ। अब हम राइट एरो की करेंगे, ये देखिए अब हम अप एरो की से करेंगे, ये देखिए, और डाउन एरो की से करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से हमारी ये कमांड काम करती है। जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो है स्विच विंडो। इस कमांड के द्वारा पावर पॉइंट की खुली हुई भिन्न भिन्न फाइल में से हम किसी भी फाइल पर जा सकते हैं, यानी कि किसी भी खुली एक फाइल से किसी अन्य फाइल पर हम पहुंच सकते हैं। जैसे जब हमारे पास अलग अलग फाइल्स खुली हुई हो एक प्रेजेंटेशन की, या जैसे इसी में अभी हमारे पास इसकी दो फाइल हैं, तो हम अभी इसमें जिस फाइल पर हैं, कॉपी पर हैं या ओरिजिनल पर हैं, हम चाहे दूसरी पर भी जा सकते हैं। कैसे, ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया।
अब यहाँ पर हमने इस फाइल की एक कॉपी बना रखी थी टू, जो कि इस टाइम हम हमारी जो ओपन है वो कॉपी टू ओपन है। अब देखिए हम कॉपी वन पर जाना चाहते हैं, यानी कि स्कूल चलो वन, इस पर क्लिक किया तो हम पहली फाइल पर आ गए। इसी तरीके से हम वापस दूसरी पर आना चाहें तो ये हमने इसको टू को सेलेक्ट किया तो हम दूसरी फाइल पर आ गए। इस तरीके से हम इस कमांड के द्वारा एक फाइल से दूसरी फाइल पर जा सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है मैक्रोज। मैक्रोज जो कमांड होती है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डर कमांड है। इस कमांड के द्वारा मैक्रो की लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें से आप किसी भी मैक्रो को रन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नया मैक्रो क्रिएट भी कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है ऑल्ट प्लस F8। अब देखिए मैक्रो हम किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ हमारी ये फाइल ओपन है, इसके लिए हमें मैक्रो बनाना है। हमने सबसे पहले मैक्रो कमांड पर क्लिक किया, आपके पास एक बॉक्स खुलेगा। यहाँ आपसे मैक्रो का नाम पूछा गया है तो आप इसमें मैक्रो वन नाम टाइप कर देंगे। मैंने अभी यहाँ मैक्रो वन इसका नाम दे रही हूँ। इसका जैसे ही मैंने नाम टाइप किया, यहाँ पर क्रिएट का बटन हाईलाइट हो गया, यानी कि हम नया मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ हम मैसेज बॉक्स के लिखेंगे MSGBOX। अब हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया ये देखिए, और उसके बाद कोटेशन मार्क स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पर एजुकेशन मैक्रो के रूप में एजुकेशन को लिख देंगे, TION एजुकेशन। अब हमने वापस कोटेशन मार्क क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज किया। इस तरीके से हमने हमारा मैक्रो बना लिया। अब हम यहाँ से इसको बंद करेंगे और यहाँ से भी इसको बंद करेंगे और हम अपनी स्लाइड पर आ गए। यहाँ से हम मैक्रो पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका मैक्रो वन शो हो रहा है। हम अब इसमें एक और मैक्रो बनाएंगे तो यहाँ हम मैक्रो टू टाइप करेंगे। ये देखिए मैक्रो टू, ये देखिए यहाँ हम वापस क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्रो के लिए वापस हमारे पास कर्सर है। यहाँ हम वही मैसेज बॉक्स टाइप करेंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कोटेशन मार्क, और हम अब इसके अंदर मैक्रो दूसरा जो मैक्रो डालेंगे वो हम लिखेंगे स्टडी। अब हम कोटेशन मार्क क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये हमारा दूसरा मैक्रो बन गया। यहाँ से हमने इसको बंद किया और ये बंद करके हम स्लाइड पर आ गए। अब हम वापस मैक्रो पर आएंगे तो देखिए यहाँ हमारे दो मैक्रो शो हो रहे हैं, जो कि ये दिखा रहे हैं कि ये स्लाइड के किस चीज़ से संबंधित है, यानी कि ये स्लाइड किससे एजुकेशन से संबंधित है, और इस तरीके से हमें ये मैक्रो बताते हैं। अब आप देखिए अभी मैक्रो वन पर है हमारा कर्सर, मैक्रो टू इस तरीके से। अब अगर आप इसके अंदर चाहें कुछ एडिटिंग करना तो एडिट बटन से कर सकते हैं, और मैक्रो टू को आप रन करके देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर मैक्रो टू सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए हमने स्टडी लिखा था मैक्रो टू में, और ये स्टडी इसने दिखा दिया कि हमने जो मैक्रो टू था उसमें क्या बनाया था, क्या लिखा था, क्या रिकॉर्डिंग की थी। तो वो हमने रिकॉर्ड किया था स्टडी। तो जब भी हम मैक्रो टू कहीं पर भी लिखेंगे तो ये अपने आप वहां पर स्टडी शो कर देगा, ये देखिए ओके। इसी तरीके से हम मैक्रो वन को देखना चाहें, रन करना चाहें, ये देखिए हमने मैक्रो वन में लिखा था एजुकेशन, तो इसने हमें यहाँ पर एजुकेशन मैक्रो वन के रूप में दिखा दिया। तो इस तरीके से हम मैक्रो बना सकते हैं और आप इस मैक्रो को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैक्रो वन या मैक्रो टू को जिसको भी आपको डिलीट करना चाहते हो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ मैंने मैक्रो वन को सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए डिलीट, ये डिलीट, यहाँ पर हमारा जो मैक्रो वन है वो डिलीट हो चुका है और ये सिर्फ हमें मैक्रो टू ही दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम इस कमांड के द्वारा मैक्रो बना सकते हैं, रन कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमारे पावर पॉइंट की व्यू मेन्यू की सभी कमांड्स कंप्लीट होती हैं और हमारा जो पावर पॉइंट है वो भी कंप्लीट होता है। आप इन सभी कमांड्स के इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।